नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। रक्षाबंधन से ठीक पहले राज्य की बहन बेटियों को सीएम हेमंत सोरेन सौगात देंगे। वे 18 अगस्त को पाकुड़ में रहेंगे। यहां से वह झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इस दिन चयनित लाभुक बहन बेटियों के खाते में योजना की पहली किस्त 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इस आयोजन को लेकर आज सीएम हेमंत सोरेन ने मोराबादी में झंडोत्तोलन के बाद अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस अहम बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव विप्रा भाल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्त शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए जो महिलाएं आवेदन कर रही हैं, उनके आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति के साथ चयनित लाभुकों को उनके बैंक खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी SMS के माध्यम से दें। इससे उनको ये पता चले कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि उनके बैंक खाते में डाली जा चुकी है। उन्हें साइबर अपराध से बचाव को लेकर SMS के माध्यम से जागरूकता संदेश भी भेजे। मुख्यमंत्री ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में हर महीने एक निश्चित तारीख तक सम्मान राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। सम्मान राशि हस्तांतरित करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। महिला लाभुकों के खाते में हर महीने इस योजना की सम्मान राशि हस्तांतरित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए चल रहे विशेष शिविरों में अब तक 36,69,378 महिलाओं के आवेदन मिल चुके हैं। इनमें 20,37,754 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन लेने की प्रक्रिया में अभी भी जो त्रुटियां आ रही है उसे अविलंब दूर करें ताकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने से कोई भी पात्र महिला वंचित ना रहे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।